गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? यही बैठ करके मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था जो मैंने एसी टेक्नीशियन वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसको लगभग कई सारे लोगों ने देखा और कई सारे लोगों ने उसी पे कमेंट किया था कि भाई आप ये बताओ कि अगर हमने आईटीआई से एसी टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है और हमको सिंगापुर में जॉब करनी हो बेसिकली, तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है। मैं आपको बता दूँ, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप काम सीखे हुए हो एसी टेक्नीशियन का, फिर आप कैसे जॉब कर सकते हो सिंगापुर में, उसकी कितनी सैलरी मिल जाती है। मैंने उसमें कई सारी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, सैलरी कितनी मिल जाती है, जॉब को कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। उसको कई सारे लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखी होगी। नहीं देखी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो भी वीडियो देख लेना। पहले मैं आपको बताया था कि अगर आपने आईटीआई किया हुआ है फिर आपको कितनी सैलरी मिल जाती है एज एसी टेक्नीशियन, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो फर्स्ट काम आप सबसे ज़रूरी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं तो आप एक काम करो कि आप कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको जितना अच्छा रहेगा आपको उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। डिग्री के मैंने पहले ही बताया हुआ है, आपको जितना नॉलेज रहेगा उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। ये चीज़ें आप ध्यान देना, थोड़ा 3 महीने या फिर 6 महीने का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेना, वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, उसके बाद फटाफट सैलरी बता दूंगा कितना तक सैलरी मिल जाती है जो आईटीआई कोर्स भी अगर आप करते हो। तो अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो सिंगापुर में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है मेडिकल। अभी के टाइम पे अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, किसी प्रकार की कोई बीमारी से आप पीड़ित हो, तो डॉक्टर से मेडिसिन लेकर के दिखाओ, करके मेडिकल अपना क्लियर रखो, मेडिकल में कोई कमी ना हो, ठीक है। सेकेंड चीज, आपके ऊपर किसी भी टाइप का कोई क्राइम केस ऐसा ना हो। बैंक बैलेंस, आपकी फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो देखी जाती है, आपका फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से है वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ये चीज़ें आप ध्यान देना, ठीक है। कोई गलत काम करके पैसे उसे मत इकट्ठे करना, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है बेसिकली, ये रिक्वायरमेंट है और कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई केस क्राइम आपके ऊपर ऐसा कुछ ना हो, ये चीज़ें ध्यान देना। ये चीज़ ठीक है तो बाकी सब तो मैनेज हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। एज ए आईटीआई आप लगभग 1,10,000 रुपये से लेकर के 2,00,000 रुपये तक मंथली अर्न कर सकते हो एज एसी टेक्नीशियन। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कई सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो और भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो फिर मैं तरह से कोई डाउट हो तो कमेंट करो। हैव नाइस डे।